गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज अपनी क्लास में बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक दोहरी लेखांकन प्रणाली के स्टेज, मतलब दोहरी लेखांकन प्रणाली के चरण। आज क्या जानेंगे अपन? दोहरी लेखांकन प्रणाली के चरण। चरण मतलब किस स्टेप, किस स्टेप कार्य करते हैं। क्या जानेंगे यार? दोहरी लेखन। अभी अपन दोहरी लेखांकन प्रणाली के लाभ जान चुके। दोहरी लेखांकन प्रणाली क्या होती है? दोहरी लेखांकन प्रणाली का दूसरा नाम क्या होता है? क्या होता है अपना? प्रारंभिक लेखांकन के दो होते हैं। ये दो सिक्कों पर काम करते हैं। इसके दो सिक्के के दो भाई होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। अब यार जानेंगे दोहरी लेखांकन प्रणाली के निम्न स्टेप। दोहरी लेखांकन प्रणाली की तीन स्टेप होती है। दोहरी लेखांकन प्रणाली को क्या कहते हैं? बुककीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम प्रणाली या बुककीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम प्रणाली या बुककीपिंग हिंदी में बोलते हैं पुस्तक पालन। इसको बोलते हैं दोहरी लेखांकन प्रणाली के स्टेप क्या है? ये कहने वाला है कि इसमें पुस्तक पालन तथा लेखन क्रम का कार्य विभिन्न श्रेणियों के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। क्या? विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दोहरी लेखांकन प्रणाली के निम्न स्टेप होते हैं। एक पुस्तक पालक होता है और एक लेखपाल होता है, जो विभिन्न कार्यों को श्रेणियों के अनुसार करेगा। उनको श्रेणियों में कई चीजों में उसको क्या कर देता है? विभक्त कर देता, कई श्रेणियों में बांट देता। अब इसके दोहरी लेखांकन प्रणाली के निम्न चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है हमारा नकल बही में प्रारंभिक लेखा। पहला स्टेप क्या होता है? नकल बही में प्रारंभिक लेखा। दूसरा हमारा होता है, पहला दूसरा होता वर्गीकरण या खाता बही। तीसरे टाइप का हमारा खाता है सारस या अंतिम खाते। सबसे पहले इसमें जाना नकल बही खाता क्या होता है। नकल बही का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड इन जनरल। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्ड से जनरल। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिकॉर्ड्स इन जनरल। मतलब इसमें खाते को कैसे आने कहने वाले, इसमें व्यापार में जाने वाला है कि इसमें व्यापार में यानी इसमें लेखांकन व्यापार व्यवहार के सर्वप्रथम प्रारंभिक लिखे क्या होते हैं? पुस्तक में क्या किए जाते हैं? लिखे जाते हैं। क्या होते हैं? पुस्तक में लिखे जाते हैं।
इसमें नकल बही में लिखे अनुसार, नकल बही में नकल वाले बुके पेपर लिखे जाने आने खाते लेन देन से संबंधित इसमें एंट्री की जा रही है, लेन देन से संबंधित एंट्री की जा रही है, क्या कहते हैं, लेन देन से संबंधित इसमें एंट्री की जा रही है। और इसमें प्रत्येक, इसमें प्रत्येक लेखा के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, दो रूप क्या होते हैं, दोनों रूपों को इसमें क्या जैसा बदलाया वैसा उनको लिख दिया जाता है, क्या होता है लिख दिया। लेकिन एंट्री के नीचे ने एंट्री के नीचे उसका क्या होता है संक्षेप विवरण, संक्षेप विवरण मतलब क्या है आज में नाम पक्ष और जमा पक्ष आज इसमें क्या होता है विवरण दर्शा दिया जाता है, क्या होता है दोनों दो रूपों का दर्शन, दो रूप इसका क्या होता है सिक्के के दो पहलू होता है एक क्रेडिट और डेबिट आज अंदर परिभाषित कर दिया जाता है। एंट्री के नीचे क्या लिख दो संक्षेप विवरण लिख दिया जाता है। इसकी व्याख्या मतलब इसकी व्याख्या या ये इसकी व्याख्या यानी हमारा क्या लगा इसकी व्याख्या गाएं या ब्यौरा, इसको हम व्याख्या या व्याख्या या ब्यौरा भी कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं महत्वपूर्ण होता है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक यानी जो हम लेखा जोखा रखते हैं वो एक अभिन्न भाग होता है जिसमें सारी क्रिया क्या होती है खाता बही या बैलेंस शीट बनाने हम कह सकते हैं, जो हमारा दोहरी लेखाकरण जो हम प्रारंभिक लेखा बनाते हैं वो हमारा प्रारंभिक लेखा क्या होता है, वो प्रारंभिक लेखा हमारे काय के लिए सहायक होता है खाता बही या तलपट बना बैलेंस शीट बनाने में सहायक होता है। इसको हम क्या कहते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड इन जनरल एंट्रेंस कहते हैं, मानो इसमें कहने वाला एक पुस्तक होती है जिसमें आप लेने देने से जाना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्या होती है ये पुस्तक ये व्यापार और बिजनेस से संबंधित सारी क्रियाओं से था एक बुक होती है प्रारंभ जिसमें लेने देने जाना डेट वाइज अनुसार इसमें सारी चीजों को क्या किया जाता है परिभाषित किया जाता है, क्या कहते हैं डेट वाइज अनुसार इसमें परिभाषित किया जाता है लेने देने संबंध क्योंकि उसके दो रूप होते हैं क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्षों का इसमें संक्षेप विवरण रखा जाता है मतलब लिखा जाता है या दिखाया जाता है क्योंकि इन दोनों इसके दो पहलू होते हैं क्रेडिट डेबिट को दिखाया जाता है क्योंकि इसका संक्षेप विवरण ब्यौरा इसके अंदर लिखा जाता है क्योंकि इसका व्यापार या ब्यौरा कहते हैं जो कि इसका यह होता है दोहरे लेखांकन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पाठ होता है जिसके अंदर सारी क्रियाओं को क्या होता है महत्वपूर्ण पाठ होता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं इसकी सहायता से हम बैलेंस शीट या इसकी सहायता से हम बही खाता या बैलेंस शीट यानी बही खाता या बैलेंस शीट बनाने में सहायक होता है, इसे हम क्या कहते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स इन जनरल एंट्री, क्या कहते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स इन जनरल। अब दूसरा इसका नाम क्या है दूसरी स्टेप क्या होगी हमारे टॉपिक का नाम क्या होता है दोहरी लेखांकन प्रणाली, हमारे टॉपिक का नाम होता है दोहरी लेखांकन प्रणाली के चरण, ये हमारा टॉपिक। अब इसमें हमने जाना है कि इसको कैसे परिभाषित किया है, सबसे पहला था हमारा था हमने नकल बही में क्या होता है एक पुस्तक होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड क्रियाओं को इसमें लिखा जाता है लेने देने संबंधित एंट्री की जाती है क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं एक डेबिट और क्रेडिट आदि का लिखा जोखा इसमें क्या किया जाता है जनरल एंट्री के रूप में विवरण के रूप में यानी दो सिक्के होते हैं दोनों का विवरण संक्षेप के रूप में लिखा जाता है। यह गलत प्रारंभिक दो होते हैं इनके आधार के क्रेडिट डेबिट के आधार पर क्या होता है इसको संक्षेप विवरण इसके अंदर प्रारंभिक में लिखा जाता है प्रारंभिक रूप में लिखा जाता है क्योंकि इसकी व्याख्या यानी इसकी व्याख्या क्या किया ये बही खाता का या ब्यौरा को कहते हैं और यह क्या होता है दोहरे लेखांकन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका यूज हम बैलेंस शीट वही खाता है बैलेंस शीट बनाने में सहायक होता है इसे हम ओरिजिनल रिकॉर्ड से जनरल कहते हैं। दूसरा है वर्गीकरण तथा खाता बही, वर्गीकरण खाता बही मतलब एक विषय बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीजर, क्लासिफिकेशन ऑफ लीजर क्या कहते हैं
क्लासिफिकेशंस ऑफ लीजा, इसमें वो लाया कि इसमें नकल बही में लिखा लिखने के बाद व्यवहार का वर्गीकरण, नकल बही में लिखने के बाद इसका क्या होता है ना, सारे डेटा को लिखने के बाद बात करता है व्यवहार का वर्गीकरण। व्यवहार का वर्गीकरण रो कॉलम, इसको लिखने के बाद क्या इसको रो कॉलमों में क्या किया जाता है, रो कॉलमों में दर्शाया जाता है। इसको क्या करता है रो कॉलम, प्रत्येक स्टैंड में एक प्रत्येक स्टैप में बताया गया व्यवहार का वर्गीकरण होता है। इस स्टेप में एक खाते में खाते से संबंधित व्यवहार को एक एक स्थान पर केवल यथा लिख दिया जाता है। जैसे जो भी है पहले हम उसका पूरा डिटेल विवरण किस पेस्ट पर लिखा है, इस चीज को इसके अंदर परिभाषित कर दिया जा रहा है, इसे बोलते हैं वर्गीकरण अथवा खाता बही। मैंने इसमें बोला है क्योंकि इसमें जिस हमने इसको ज्यादा था कि जनरल खाते के पांच कॉलम होते थे, ठीक इसी तरीके से पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में डेट, तीसरे में आपका जो लीडर होता है उसमें किस दिन दे जाता है पृष्ठ संख्या और आदि को डिफाइन कर दिया जाता है। और डेबिट क्रेडिट मतलब हमने जानने के लिए जहाँ जिस राशि उस राशि को उस राशि को यथा उस स्थान पर लिखा, डेबिट डेबिट को यथावस्थान पर और क्रेडिट क्रेडिट को यथास्थान पर लिख दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन, इसे क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, क्योंकि जब लेजर हम मैनुअल बनाते हैं तो रिकॉर्ड्स के आधार पर बनाते हैं और यदि कंप्यूटर बनाते हैं तो ग्रुप के आधार पर, यानी यहाँ विदाउट कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें हम रिकॉर्ड्स के आधार पर तैयार किया जाता है, और मैनुअली यदि मैनुअली बनाते हैं तो क्या करते हैं रिकॉर्ड्स के आधार पर बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते तो ग्रुप्स के आधार पर। इस तरीके से व्यवहार और इसमें व्यवहार निकालने के लिए हमें क्या काट दिया जाता है, ऐसे होता है व्यवहारों में खातों को लिख एक बार करने के बाद उसमें जो शेष राशि बचती है शेष खातों को शेष खाते निकाले जाए और उसमें जो जो भूल चूक से छूट जाते हैं उन खातों के अंदर परिभाषित नहीं किया, जो बची जाती है राशि उनको अलग निकाल दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं वर्गीकरण या खाता, इसको बोलते हैं वर्गीकरण या खाता नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सारांश व अंतिम खाते, नेक्स्ट का क्या है सारांश या अंतिम खाते, तो हमारा कहने का मतलब है नष्ट हमारा क्या नष्ट हमारा समृद्ध फाइनेंस रिकॉर्ड, मतलब हमारा कहने का मतलब पूरा खाता बही तैयार हो जाएगा लिखने का जो खतौनी करने वाला था। पहले तो हमने इसका पॉइंट सबसे पहले जाना था क्रेडिट डेबिट का विश्लेषण किया जाता है, उनको यथावत अलग अलग करके यानी खतौनी की जाती है, यथावत जाना उनको क्रेडिट का अलग किया जाता है डेबिट का अलग लिखा जाता है। फिर इसमें खतौनी मतलब इसमें पहले इसमें क्या होता है इनमें खतौनी करते वक्त इनको खतौनी को इनका विश्लेषण नहीं किया जाता है, इनको यथावत तुरंत क्रेडिट क्रेडिट अलग लिख दिया जाता है, डेबिट डेबिट अलग लिख दिया जाता है। इसमें हमने बताया कि इसमें एक इसमें बताया कि इसमें जो हम खाता बही बनाते हैं उन खतौनियों में कि आधार पर इसमें होता है यानी प्रारंभिक लेखा जो होता है जो अंतिम खाते या बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की यानी इसमें गणितीय शुद्धता यानी इसका इसमें मतलब है यानी इसको हम तलपट को हम अंतिम खाते भी बोलते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं प्रारंभिक खाते की सहायता से प्रारंभिक खाते के साथ उसका भी खाता या बैलेंस शीट को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण करना होता है। गणित पक्ष में मतलब मैथमेटिकल, क्योंकि यह अंतिम खातों के निर्माण में भी क्या होते हैं जो हम इसका प्रारंभिक खाता बनाते हैं यानी कहने का मतलब जो हम प्रारंभ जो लेने से देने से संबंधित खाता वही में खतौनी करने के बाद करते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका विश्लेषण करते हैं खाता वही में क्रेडिट डेबिट का अलग अलग खतौनी यदि फिर दूसरा खतौनी का विश्लेषण हमें खतौनी का या विश्लेषण क्रेडिट डेबिट का विश्लेषण हम खतौनी नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमें उसमें पहले अलग अलग पहले से डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन जब हम इसका व्यवहार करते हैं क्रेडिट डेबिट का हम जब क्रेडिट डेबिट की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं लेकिन इसमें खर्चे की खतौनी का विश्लेषण नहीं करते हम अलग अलग पहले से डिस्क्राइब करते जाते हैं। क्या करते हैं जिसका पहले में क्या करते हैं क्रेडिट डेबिट का एनालिसिस करते हैं विश्लेषण करते हैं अलग अलग छांटते हैं उनको यानी कौन नाम पक्ष है कौन जवाब, क्योंकि इसमें नाम पक्ष और जवाब पक्ष की मैनुअल अब हमें नाम पक्ष और जवाब पक्ष का अनुशासन की अब हमें ये जब हम इसका जब मिलान करने बैठते हैं कौन नाम पक्ष है कौन देने वाला है कौन लेने वाला आदि की क्रियाओं का विवरण इसके अंदर दोहरी लेखांकन प्रणाली में परिभाषित, क्योंकि दोहरी लेखांकन प्रणाली में
दोहरे लेखांकन प्रणाली में बही खाता कहें या अन्य बही खाता कहें या प्रारंभिक खाता, क्या कहते हैं, ये बैलेंस शीट को बनाने का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की बढ़ती सुविधा बही खाता या प्रारंभिक खाता बनाया जो लिखा जाता है वो बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ट्रायल बैलेंस को बढ़ाने का बताया हमें बही खाता या प्रारंभिक को लिखा जाता है वह बैलेंस शीट को बनाने का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण करना होता है। यह अंतिम खाते मतलब होता है फाइनेंशियल खातों के निर्माण में भी क्या होता है, जो हमारे प्रारंभिक बुक होती है या वही खाता होता है वो क्या हमारे ट्रायल बैलेंस को बनाने का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की गणितीय शुद्धता मतलब गणित की मैथमेटिकल शुद्धता मतलब क्रेडिट डेबिट मतलब कहीं कोई छूटेगा नहीं अब उसकी पूर्ण क्रेडिट डेबिट यानी मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की गणितीय शुद्धता का परीक्षण शुद्ध परिणाम इससे प्राप्त होते और ये अंतिम खाते मतलब फाइनेंशियल स्टेट के निर्माण में भी क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेट निर्माण में भी क्या होते हैं अंतिम खाते यानी फाइनेंशियल अकाउंट के निर्माण में भी क्या होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट निर्माण में भी सहायक होते और अंतिम खाते तीन भागों में विभाजित होते हैं एक व्यापारिक खाता लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट क्योंकि इसमें बताया कि क्योंकि पूरे वर्ष का है लाभ हानि खाता बनाने या व्यापक लाभ हानि अंतिम खाते क्या होते हैं अंतिम खाता को तीन भाग अंतिम खाते तीन भाग कौन कौन से होते हैं सबसे पहले होता है हमारा व्यापारिक खाता दूसरा होता है लाभ हानि खाता तीसरा होता है बैलेंस शीट यानी तीन भाग होते हैं अब इसमें इसमें पूरे साल भर का लाभ या हानि को जानने के लिए बिजनेस यानी व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाया गया है पूरे बिजनेस को की यानी साल भर की लाभ और हानि स्थिति को जानने के लिए व्यापार या लाभ हानि खाता बनाया जाता है और यह वर्ष के अंत में व्यापार की विशेष स्थिति की जानकारी एक हमें क्या पता है बैलेंस शीट का है यानी साल भर की यानी कि यह प्रारंभिक खाता जो बनाया जाता है जो व्यापार की लाभ हानि खातों की यानी बताया कि लाभ या हानि आदि को जानने के लिए व्यापार की लाभ यानी बताया पूरे साल भर के वर्ष की लाभ या हानि को जानने के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाया जाता है क्योंकि वर्ष के अंत में व्यापार की वित्तीय स्थिति को जानने वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्थिति जानने के लिए इसका ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट तैयार किया जाता है चिट्ठी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट तैयारी जो हम जो जैसे बजट बनता है साल में गवर्नमेंट वो सारी चीजों का इसमें विवरण इसके अंदर सारी दोहरी कारण इसका प्रारंभिक खाता बना लिया रो कॉलम के रूप में परिभाषित कर दिया फिर उसकी पूरी सारा डेबिट और क्रेडिट के आधार पर उसको क्या होता है अंतिम खाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है उसके अंदर लिखा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बैलेंस शीट तैयार किया जाता है ये तो हमने जाना कि दोहरे लेखांकन प्रणाली के कौन कौन से स्टेप्स थे स्टूडेंट यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लाइक कमेंट करें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें थैंक यू स्टूडेंट अच्छी क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछिए आप लोग मुझे ये जो भी मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ आपको आपकी हेल्प करूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट अपने मित्रगण में हमारे वीडियोस को शेयर करें जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड आप लाइक कमेंट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा आपको क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा आज अपन लेके आना कि दोहरी लेखन प्रणाली के क्या क्या स्टेप्स होती है तीन स्टेप जानी थी सबसे पहले नकल वही से प्रारंभिक लेखा मतलब ऑरिजिनल रिकॉर्ड की जनरल एंट्री दूसरा परिग्रहण अथवा खाता बही क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर नेक्स्ट हमने क्या जाना था नेक्स्ट जाना था समरी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट मतलब हमने सारस व अंतिम खाते कैसे बनाए क्योंकि आधार परिग्रह पूरा बैलेंस शीट तैयार किया जाता है तैयार करने आज की क्लास में इतना ही काफी है थैंक यू स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू स्टूडेंट्स